खान पीन मिले एवं करी दूं नहीं मैं नहीं पीना तेरा जूठा तो कम अज कम मैं पीना ही नहीं मैं कुछ भी नहीं मेरे साथ अहमद अहमद मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त भी है भाई जी और इसके साथ साथ जो है ना बहुत ही अच्छा दोस्त बहुत अच्छे इंसान है अल्लाह ताला इनको सेहत दे आमीन 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 ये जो है ना हमारी नरगस जो पिनो है ना इसका पिनो यार व्लॉग आज फिर नहीं कसम से दिल नहीं था व्लॉग बनाने के लिए तो मैंने कहा यार ना दो छुट्टियां हो गई हैं तो मैं व्लॉग डाल लूं तो फिर चिल मूड में बैठे थे तो अहमद को देख के मेरा दिल किया यार इसको मैं लेके आऊं अहमद बात सुना यार कौन सी बात ये बंदा वो है जिसने हमारा लंच लेके आना होता है और लंच लेते वक्त जाता है ना एक तो घंटा लगाया मैं तो कितने जाना पहले सही से दसने तेन आज तेरी माँ की कसम कभी पैदल जाता हूँ कभी बाइक में नहीं इसके अलावा बाइक पे जब भी गए लेट इतनी देर क्यों लगा लेट आता हूँ हमेशा से क्यों हमेशा से लेट क्यों बस वो आगे की जो ये बंदे का पेट चेक करो ये बंदा पहले जाता होता है अपना पेट पूरा करके आता है खा पी पहले मैं खुद खाता हूँ फिर बाद में इनको खिलाता हूँ उसके बाद हमारे साथ भी बैठ के खाता होता उसके बाद जो चीज बच जाती है किचन में पूछ के सर जी किसी को चीज खानी तो नहीं है नहीं खानी अहमद फिर स्टार्ट हो जाता है वो तो अपनी अहमद सही से अहमद सही से बताओ सही से बताओ सही से बताओ रोजाना कितनी रोटियां खाते हो एक नहीं झूठी बात नहीं करनी झूठी बात नहीं करनी तीन दोपहर को बस तो शाम को एक शाम टोटल नहीं सीधा तो तेरा बात ये इसके अलावा क्या क्या खाते हो मतलब डाइट प्लान बताओ डेली का मेरी सेहत देखो ऑडियंस और जो है ना रोजाना की सुबह सुबह एक आधा पराठा खाता हूँ दोपहर टाइम जो चीज़ मिलती है दबा के खाता हूँ शाम टाइम कोई याद नहीं रहता होता मतलब कि मिल जाए तो ठीक ना मिले तो तेरी शक्ल नहीं आ रही पेजी में तू नशेड़ी बाय फेस में हूँ ऐसे सर्दी गर्मी ना आ रही ऐसा कर कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं इंसान करेक्टर से पता चलता होता है फेस से जो मर्जी कह लो कि बंदा नशेड़ी है जो भी ये तो बंदा नर्गस लगती ना है और नर्गस अहमद अहमद बारल बताओ अहमद बारल बताओ क्या बताओ आज ना हमें बताओ कि अहमद आपके रेफरेंस से एडमिशन आया था किस तरह से डील किया उसको मैंने यही कहा था कि एक दफा चक्कर लगाओ लाजमी रात में हमारे कॉलेज में आओ ठीक है विजिट करो हम आपको गाइड करेंगे तो आगे जॉब की आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी ठीक है और मतलब कि उसके हमारा कोर्स जो आएगा ना बेसिकली ये 6 मंथ का है ठीक है आप चाहे 2 मंथ में कर लो आप 3 मंथ में कर लो लेकिन फीस आपने 4-6 मंथ की करनी है ठीक है और वो झूठ बोल के चला गया जनाब की फीस मैंने 2000 बोली थी फीस का तो मैंने उसको अहमद अहमद ऐसा बंदा है जिसने पूरे साल में एक पहला एडमिशन लेके आया था और एडमिशन वाला एडमिशन नहीं था सुनो चुप है चुप एक एडमिशन आया जी और वो बंदा डील होकर गया उसने कहा मैंने करनी है फ्रीलांसिंग करनी है सॉरी डॉम करना ऑफिस मैनेजमेंट करना है उसने और जब फीस की बात आई है तो मैंने कहा जी 6,000-7,000 रुपये पर महीना फीस लेंगे तो वो बंदा क्या किया जी अहमद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसने मुझे कहा 2,000 रुपये फीस लेगा और उसमें से भी कंसेशन कर देंगे भाई 800 रुपए में एडमिशन हो रहे हैं पूरे साल का उनको लैपटॉप भी दो कंप्यूटर भी दो बिजली भी दो वो बंदा झूठ बोल के गया चलो खैर कल आ जाएगा अच्छा बारह बताओ अहमद सीरियसली ऑनेस्टली बताओ ओवरऑल जो है ना वो कमिटमेंट करूंगा कि आपने झूठ क्यों बोला है अहमद ना बताओ कि ना फ्रीलांसिंग का क्या स्कोप चल रहा है आजकल फ्रीलांसिंग का सर आगे स्कोप ही है सारा ट्रेंड जो है ना आईटी का ट्रेंड है आगे ठीक है लोग मतलब कि ओवरऑल फील्ड्स को छोड़ के आईटी में आ रहे हैं आपने स्किल सीखी है क्या सीखा मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की हुई है ऑफिस मैनेजमेंट फायदा हो रहा है कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह और बताओ ऑडियंस को इसका फायदा होता है कि नहीं होता किस चीज में फायदा घर में बैठ के लोगो डिजाइनिंग करता हूं फोटो एडिटिंग करता हूं एडोब प्रीमियर पे वीडियो एडिटिंग करता हूं और पैसे पूछे आते हैं कोई नहीं मेरा फेसबुक पेज है इंस्टाग्राम पेज है और इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल भी बनाना है आप आगे मतलब कि अब आगे रेडी लास्ट ये इसके काम सारे दिन उल्टे काम होते हैं इसके ए दो 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 कदम दिखाओ दो कदम दिखाओ एक से दो ये नहीं ना
टैलेंट होना चाहिए सर जी, टैलेंट। ये भाई इसके पास मल्टी टैलेंटेड बंदा है, हमारा किचन भी यही वॉश करता होता है, हमारी सफाई सुथराई भी यही करता होता है, इसके अलावा ऑटो कैड का एक्सपर्ट बंदा है, नक्शे बनाता होता है, और इसके अलावा जो हर पुट्ठा सीधा काम इससे करवाते होते हैं। पुट्ठा सीधा समझ रहे हैं ना आप, पुट्ठा सीधा जी जी। चले आप क्या कहना चाहोगे, आप क्या कहना चाहोगे इसको? मैं यही कहना चाहूंगा कि जल्दी जल्दी भाई वीडियो वायरल करो, बाहर जाना है, बाहर डॉलर कमाना चाहते हैं ऐसे भी होती है। हां जी अहमद, क्या पैगाम देना चाह रहे हो? वो हमारा जो असल में फ्रीलांसर है ना, वो पीछे वो मुंह तोड़ है, वो हमारे हैकर है, वो सबसे हमारे इस कॉलेज के सबसे बड़े हैकर है वो। तो आज यार मौसम बड़ा माशाल्लाह, अल्लाह के करम से बड़ा खूबसूरत मौसम है, और कह रहे थे कि ना 3 जुलाई के बाद बारिशें स्टार्ट हो रही हैं, पता अब बारिशें स्टार्ट होती हैं कि नहीं होती, देखो कि अल्लाह की करनी क्या है, कई जगह पे सैलाब आएगा, कई जगह पे जो है वो तो मैं कहाँ पे था जी, अगली ब्रेकिंग न्यूज़। चलो ऑडियंस को दिखाते हैं बाहर का नज़ारा थोड़ा सा। बाय बाय, अल्लाह। इधर आ, इधर इधर बाहर लेके चल बाहर। हमारे सबसे बड़े जो स्कैमर आ गए हैं, हमारे बड़े दोस्त, हमारे फ्रीलांसर आ गए, तो अहमद रियाज भाई आ गए, क्या हाल चाल? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? फिर से ठीक? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। स्कैमिंग सही चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या कर रहे हो? मैं आजकल यूएसडीटी सेलिंग, यूएसडीटी आजकल। मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है रियाज, रियाज हमने इकट्ठे काम स्टार्ट किया था, एडसन ब्लॉगिंग का काम करता होता है रियाज, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अपनी लाइफ में सेट होने जा रहा है, और सही है ना, फायदा फायदा है ना। और बहुत, मैंने बहुत, मैंने फिर इंस्टीट्यूट की तरफ जाने पर ध्यान दिया, साथ में फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, साथ में जो यूट्यूब तो स्टार्ट किया ना, तो कैसे आना हुआ जनाब? बड़ी खुशी हुई आपके आने से। अफजाल साहब वो पीछे बैठे हुए हैं, वो आपको नजर नहीं आए? वो सामने चलते हैं जी, बाहर रोड की तरफ जाते हैं, इंस्टीट्यूट अंधेरा है जी, शाम होगी, शाम होगी, पापड़ चढ़ा रही है। ये जी बाहर का नजारा इस टाइम, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, खैर इधर तो बड़ा शोर है। थैंक यू। वीपीएन अपग्रेड लें दीजिए। नहीं, प्रॉक्सी लाई दी है। FBR Pavanam Pixel का फोन है, ब्रांडेड। बस यार बहुत फंसे सी, कल मेरी यार स्ट्राइक लगी सी, वो सही हो गई सी। गाइस आपने मुझे जो सजेस्ट करना है कि अपनी डेली लाइफ व्लॉगिंग बड़ी टफ है मेरे लिए, क्योंकि मैंने एक तो काम शाम की जो है ना काफ़ी भरमार होती है और बिजी होता हूँ, तो डेली लाइफ जो है ना वो नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगा, तो इसके अलावा मैं व्लॉग करूँगा, अच्छे अच्छे व्लॉग रिकॉर्ड करूँगा जिसमें मोटिवेशन होंगी, एंड सोच रहा हूँ इस बारे में कोई थोड़ा सा सेटअप बनाऊँ, तो कभी कभार जो मेरा ना व्लॉग आया करेगा लाइफ रूटीन के बारे में भी, तो बाकी डिपेंड करेगा कि मैं मेरे मूड पे, कभी मूड होता है मैं व्लॉग बनाऊँ, कभी मूड होता है मैं व्लॉग ना बनाऊँ, तो अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट करें कि व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ, ये इसको अभी इधर सेंड करता हूँ, काम करने को और बढ़े काफ़ी, मेरा यूट्यूब एक पैशन है, तो पैशन बड़ा कम पड़ रहा है, तो दोबारा से मैं ट्राई करूँगा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एंड व्लॉग बनाने के लिए, तो बस दुआ करो कि टाइम स्पेयर निकला करे जिसमें मैं व्लॉग शुलॉग बना लिया करूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।